वेलकम टू ऑल इंडिया आंसर टेस्ट सीरीज, दिस इज टेस्ट नंबर 6। अभी तक हम टेस्ट 1, 2, 3, 4, 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका टेस्ट नंबर 6 है, ये भी हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, विद रिफरेंस टू द हिमालय रिवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हिमालय रिवर से इसके अंदर से 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट है, दे आर पेनियर इन नेचर, रिसीव वाटर फ्रॉम ग्लेशियर एंड रेन। देखो जो हमारे जो हिमालय के जो रिवर्स हैं उनका पानी कहाँ से मिलता है, वो ग्लेशियर से मिलता है। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी आता है, और साउथ और ये जो हमारा मानसून होता है, नॉर्थ वेस्ट मानसून, वहाँ से भी पानी आता है, रेन होती है वहाँ से। तो उसका मतलब ग्लेशियर और रेन दोनों से हमारे पास जो पानी है, जो वाटर है पेनियर रिवर के अंदर, वह इकट्ठा होता है। तो फर्स्ट हमारा सही है, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, ऑल द रिवर्स आर एग्जांपल ऑफ द कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न। गलत है, सभी रिवर का ड्रेनेज पैटर्न अलग अलग होता है। कुछ का ड्रेनेज पैटर्न हमारे पे रेडिकल होता है, जैसे जैसे हमारे रूट के अपने जड़ देखी होंगी कैसे कैसे इधर इधर होती रहती है, डायग्राम देखे होंगे। इस तरह से हमारा सिस्टम जो होता है वही हिमालय रिवर का सिस्टम होता है, जिसे हम रेडियल सिस्टम कहते हैं। तो सेकंड हमारा गलत हो गया। थर्ड पढ़ते हैं, हमारे पास दे आर स्टिल इन अ यूथफुल स्टेज एज कम्पेयर टू पेनियर रिवर्स। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हिमालय रिवर्स हैं वो क्योंकि हिमालय पर है, और हिमालय खुद एक अभी यंग है और टेक्निकल प्लेट के ऊपर है, तो अभी ये स्टेबल नहीं है। इसके वजह से सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं उसी प्लेट के पास में आते हैं, ठीक है। तो अभी जो ये वाला पार्ट है वो यूथफुल स्टेज में है, देन एज कम्पेयर टू द डेक्कन प्लेट्यू और अदर। तो थर्ड हमारा सही हुआ, तो 1 एंड 3 हमारा सही हुआ, तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलोगे तो आप ये पढ़ सकते हो ये क्वेश्चन। अब देखो ये आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो मैं स्टैटिक क्वेश्चन कराता हूँ सारे हिंसे मिलते हैं क्वेश्चन हुआ आपको। ये क्वेश्चन मैं कराया था आपको, द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मैंने ऐसे याद कराया था आपको, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अब आप देखोगे तो 1, 2, 3 आएगा, 4 और 5 नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो, 1, 2, 3, ठीक है, बी आंसर होगा। ये मैंने आपको बताया था। देखो ऐसे तो मैं आपसे कह रहा था कि आपको याद करने पड़ेंगे स्टैटिक क्वेश्चंस, ऐसे नहीं है कि आप बिना स्टैटिक क्वेश्चन के आप पेपर अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन के साथ में ही आपको कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी होंगे, कुछ समझने वाले क्वेश्चन भी होंगे, कुछ एनालिसिस भी होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग पास ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के जो पाथ इनको दिया गया है हमारे पास, इनको लगाना है हमें कहाँ से, साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ लगाना है। पहले तो आप नॉर्थ टू साउथ लगा के देखो। देखो सबसे पहले आता है थाल घाट, फिर आता है हमारे पास बोरा घाट, फिर आता है हमारे पास पाल घाट। जो पाल घाट है वो हमारे पास नासिक के पास में, सॉरी नीचे है, सबसे लास्ट में आ गए तमिलनाडु के पास में। तो हमारे पास क्या बना, 2, 1, 3, तो उसको आप उल्टा कर दो साउथ टू नॉर्थ, तो 3, 1, 2 बना। तो आंसर बना इसका ए, 3, 1, 2। अगर आप इसको देखोगे तो इस तरह के हमारे घाट हैं, तो हमारा पाल घाट सबसे नीचे आता है, ये रहा। जो भोर घाट है वो हमारे पास कपोली एंड कंडेला के रोड के बीच में है, और थाल घाट हमारा मुंबई और नासिक रूट के बीच में है, और पाल घाट जो हमारा तमिलनाडु के है। तो आप पाल घाट को ऐसे याद कर, सबसे नीचे तमिलनाडु के नीचे है, तो सबसे लास्ट में पहुंचेगा ना ये, तो सबसे लास्ट में पहुंचे सबसे पहले फिर वही पहुंचेगा 3 वाला पार्ट। ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टैटिक क्वेश्चन से रिलेटेड है। इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है इसको मेडिटेरियन है, 82-30 डिग्री ईस्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 5 स्टेट से गुजरता है ना। तो पहला हमारा गलत है, इट पास थ्रू 8 इंडियन स्टेट, गलत है। इसको याद करने के लिए आपके पास एक वर्ड है, ओ चंपू, ओ मतलब उड़ीसा, सी एच मतलब छत्तीसगढ़, ठीक है, ए का मतलब आंध्र प्रदेश, और यू का मतलब एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, और यू का मतलब उत्तर प्रदेश, ऐसे 5 से निकलता है। तो ठीक है, तो फर्स्ट तो गलत ही हो गया। इट इंटरसेक्ट द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ये सही है। ऑफिशियल टाइम सिग्नल आर जनरेटेड बाय टाइम एंड फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड लेबोरेटरी एट द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली फॉर बोथ कमर्शियल एंड ऑफिशियल यूज, तो ये भी सही है। तो 2 एंड 3 इसका आंसर सही हो गया। आप अगर 5वां देखोगे, क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एलुवियल सोइल इज नोन एज द सेल्फ प्लगिंग सोइल, गलत है। एलुवियल सोइल को हम सेल्फ प्लगिंग सोइल नहीं कहते। ब्लैक सोइल इज इंपॉर्टेंट ग्रोइंग फॉर द प्लांटेशन क्रॉप, जो हमारे पास ब्लैक सोइल है वो प्लांटेशन के लिए अच्छी नहीं होती, वो होती है हमारे पास पल्स के लिए अच्छी, ठीक है। तो फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत। सैलिन
जो सैलिन सोइल आर फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एंड वाटर लोड इन स्वैमी रीजन। तो सही है, सैलिन सोइल हमें कहाँ मिलेगी जहाँ पानी कमी जब कम होगी। तो थर्ड हमारा सही हुआ, वन एंड टू गलत हुए। तो आप एलुवियल की बात करें तो ब्लैक सोइल आर जनरली क्ले डीप एंड इम्परमेबल। तो इसी को हम सेल्फ लगिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक तरह से वो क्या होती है, क्ले और डीपर होती है, जिसके अंदर से जल्दी से, क्योंकि वो उसमें क्रैक्स होते हैं और जो एक अच्छी होती है। ब्लैक सोइल हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है क्रॉप के लिए होती है, कॉटन के लिए, शुगर केन के लिए। लैटराइट रोट जो लैटराइट सोइल होती है इज मोस्ट सुटेबल फॉर द प्लांटेशन क्रॉप, पहली बात। ठीक है, अच्छा, सैलिन सोइल को हम उसेरा सोइल भी कहते हैं, ये याद कर लो। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। वेस्टर्न घाट आर मोर कंटिन्यूस एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट एज लेटर द इरोडेड बाय सेवरल ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये सही है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट ईच अदर द नीलगिरी। अभी जैसे मैं ये स्टैटिक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ये क्वेश्चन तो सेकंड तो आपको स्टैटिक क्वेश्चन है, फर्स्ट आपका नॉलेज क्वेश्चन है। तो वन एंड टू दोनों सही हो गए। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इंडस्ट्री, कोरबा इंडस्ट्री कहाँ पर है, महाराष्ट्र, गलत है। रुड़की कहाँ पर है, राउरकेला तो उड़ीसा के अंदर है, तो ये गलत है। दुर्गापुर कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर, ये भी गलत है। तो वन टू थ्री तीनों गलत है। अगर आप कोरबा देखोगे तो कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर है, राउरकेला हमारा उड़ीसा के अंदर है और दुर्गापुर हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर है, तो तीनों गलत हो गए। तो ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही तो हैं, ये सब स्टैटिक क्वेश्चन ही तो हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये या पता होना चाहिए आपको। आला माटी डैम तुरुंग भंद्रा के ऊपर गलत है। सलाल डैम हमारे कहाँ पर है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहाँ पर है, चिनाब के ऊपर है, तो ये भी गलत है। सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, नर्मदा, ये सही है। तो बस सिर्फ थर्ड सही हुआ इसका। अच्छा, अलमाटी डैम अगर आप देखोगे तो कृष्णा रिवर के ऊपर है, ठीक है, कृष्णा रिवर के ऊपर हो गए। अच्छा, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज डिवाइडेड बाय द 10 डिग्री चैनल। देखो 10 डिग्री चैनल डिवाइड करता है अंडमान निकोबार को, ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टैटिक क्वेश्चन में कराया था। इंडिया मेन स्टेट लैंड एंड श्रीलंका और इंडिया मेन लैंड आर सेपरेट बाय द पल्क स्टेट, ये भी मैंने आपको स्टैटिक क्वेश्चन में कराया था। तो फर्स्ट तो गलत हो गया, लक्षद्वीप कभी भी 10 डिग्री से ही निकलता है, अंडमान निकोबार निकलता है, तो फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड सही है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ट्रिब्यूट, इनमें से कौन सी ट्रिब्यूट नहीं है कृष्णा की, ये आपको चलते फिरते क्वेश्चन मिल जाएगा स्टैटिक क्वेश्चन में भी और आपको थोड़ा बहुत नॉलेज के हिसाब से भी। देखो, मूसी है, कोनिया है, तुंगभद्रा है, सवारी नहीं है क्योंकि सवारी सुना नहीं है, तो ए बी सी हो गया। मतलब इस तरह से याद करते हैं, थोड़ा थोड़ा बना सकते हैं आप क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका डी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। दिस इज टेस्ट नंबर 6, वी हैव डिस्कस ऑलरेडी 1 to 10 क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है हमारे पास, द रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक का हिल्स फॉलो रेडियल पैटर्न। तो सही बात है, जो अमरकंटक का से रीजन से जो रिवर निकलती है वो रेडियल पैटर्न होती है। रेडियल पैटर्न क्या होता है, जिस तरह से रूट होती है हमारी उस तरह से जड़ें फैली होती हैं, अलग आपको देखोगे तो अलग अलग रेडिकल्स निकले होते हैं, उसको हम रेडियल पैटर्न कहते हैं। तो फर्स्ट हमारा सही है। सेकंड अगर देखो, द बाउंड्री लाइज सेपरेशन वन ड्रेनेज बेसन फ्रॉम अदर इज नोन एज वाटर शेड। तो वाटर शेड क्या होता है, एक बेसन को दूसरे बेसन से अलग कर देना वाटर शेड होता है। तो वन एंड टू दोनों सही हैं, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आप 12 पे चलो। फर्स्ट हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेंटिनेंस ट्राइब लिव्स इन स्टेट ऑफ झारखंड। तो ये तो पता ही होना चाहिए आपको, जो सेंटिनेंस ट्राइब्स है वो झारखंड में नहीं रहते, वो अंडमान निकोबार में रहते हैं। ये मैंने क्वेश्चन आपको स्टैटिक क्वेश्चन में भी कराया था। दूसरा तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड वे पे आते हैं हम, द रूलर्स आर द ड्रेविडियन एथिक्स ग्रुप इनहेबिटेड इन द एरिया ऑफ द नीलगिरी माउंटेन। ये हमारे पास सही है, नीलगिरी माउंटेन के अंदर हमारे पास इस तरह के इनहेबिटेड रहते हैं जो इस तरह के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। थर्ड हमारे पास है, अगर आप थर्ड के देखोगे, द गदीज आर द ट्राइब्स लिविंग इन द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो गदीज है वो उस तरह के जो ट्राइबल्स हैं वो रहते हैं। तो अगर देखो तो सेकंड एंड थर्ड तीनों सही, दोनों सही हैं, फर्स्ट हमारा गलत है। तो आंसर इसका सेकंड एंड थर्ड सही होगा, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर आप 13 पे आ जाओ।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट शेयर द बाउंड्री ऑफ द बांग्लादेश। इसके लिए आपको बांग्लादेश का नक्शा याद होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन याद करो तो मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सारे बांग्लादेश में मिलते हैं, क्योंकि मणिपुरा नहीं मिला था। जो मणिपुर है वो थोड़ा ऊपर को है, तो बांग्लादेश से नहीं मिलता, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो थोड़ा सा मैप आपको देखना पड़ेगा। उस मैप के अंदर क्या होता है, जो इक्वेटोरी से पास होती है लाइन बीच में हमारा 23.5 डिग्री से, तो उसमें जो पहला पार्ट मिजोरम आता है, फिर मणिपुर आता है, फिर नागालैंड आता है। तो ये नागालैंड और मणिपुर ये दोनों ही पास नहीं होते बांग्लादेश बाउंड्री से। तो आंसर इसका डी, ये आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये देख लो आप। क्वेश्चन नंबर आप 14 पे चल सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 14 पे हमारे पास फर्स्ट आंसर हमारा, सतलुज रिवर पास थ्रू द क्रिश्चन वैलीज, कश्मीरी वैलीज बिलो वल्डूर लेक। गलत है, देखो वल्डूर लेक कश्मीर वैली से सतलुज पास नहीं होती, पास होती झेलम रिवर, तो फर्स्ट तो गलत ही हो गया। डुल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ड ऑन चिनाब, चिनाब पे सही है, चिनाब के ऊपर है ये डूली हस्ती हाइड्रो प्रोजेक्ट। अच्छा, गोदावरी रिवर ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र, गोदावरी जो महाराष्ट्र से ओरिजिनेटेड है, ये भी सही है। अच्छा, गोदावरी हमारी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा, ये भी याद रखने वाली बात है, महाराष्ट्र से पास होती है। तो सेकंड एंड थर्ड आंसर हुआ इसका, बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आप अगर करोगे 15 के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि जो ये सीजन से रिलेटेड है, फर्स्ट हमारे पास रबी सीजन, तो विद रेफरेंस टू क्रॉपिंग सेशन ऑफ इंडिया कैन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है रबी क्रॉपिंग सीजन सेशन जो है हमारा फ्रॉम जुलाई अक्टूबर, देखो जुलाई अक्टूबर से ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट माउंटेन, तो गलत है ये। रबी सेशन के बारे में बात करोगे तो जो रबी सेशन के अंदर क्या होता है, रबी क्रॉप जो होती हैं उनका सीजन क्या होता है कि मिड नवंबर में उसको हम उगाते हैं, मतलब उसको सोन करते हैं, और जब उसको हार्वेस्ट करते हैं तो वो अप्रैल और मई में करते हैं। तो फर्स्ट तो गलत हो गया, ये जुलाई अक्टूबर ना होकर यहाँ पर होना चाहिए मिड नवंबर। अच्छा, रबी क्रॉप्स इंक्लूडिंग वीट, बार्ली, ओट्स, चिकन पी, ग्राम्स, इंस्टेंट मस्टर्ड, ऑल स्पीसीज, सही है हमारा, तो सेकंड हमारा सही होगा, ठीक है। 15 का आंसर, 16 का आंसर, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ क्वेश्चन कि रोजनवुड, मैगनी और इलोवनी आर एग्जांपल ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो पता होना आपको चाहिए। अच्छा, ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट या नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है अंडमान निकोबार, वहीं पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट, ये भी आप याद कर लो, इंपॉर्टेंट। दे आर फाउंड इन वार्म एंड हुमिड रीजन, जहाँ पर पीपीटी जो है प्रेसिपिट है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका ए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 देखोगे, देखो 17 क्वेश्चन, ये तो मैप बेस क्वेश्चन है, ये तो आप करना पड़ेगा। अजंता रेंज होगा, कमाऊ रेंज होगी, मेकाले रेंज होगी, तो आंसर इसका 231, इसको नॉर्थ से साउथ लगाओगे तो उसको आपको देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मैप बेस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, सतलुज रिवर्स ओरिजिनेटेड थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग पास, सतलुज रिवर कौन से पास होते हैं, सिपकिला रीजन से पास होती है, ठीक है। अच्छा, और रीजन अगर आप ये देखो कि कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पासिस हैं, देखो सिपकिला रीजन जो हमारे पास है वो रिवर सतलुज है से वहाँ से पास होती है। अच्छा, नीति पास जो है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड है, जो कनेक्ट करता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को साउथर्न पार्ट तिब्बत को। अच्छा, नथुला पास हमारा सिक्किम और चाइना से रिलेटेड है, और माना जो माना पास है वो हमारा इंडिया और तिब्बत से रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, अच्छा सा हल्का सा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं आपको, कैन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तोसो मोरेरी इज अ फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन में लोकेटेड नहीं है ये, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। डाल लेक इज लोकेटेड इन श्रीनगर, ये सही है, और अत्तापाका बर्ड सेंचुरी हमारा कोल्यूर लेक में ये सिचुएटेड है, ये भी सही है। तो अगर आप देखो तो 1, 2, 3 तीनों सही हैं, तो मतलब 1 गलत है, 2 और 3 सही है हमारा, तो आंसर ये हो गया। 20 पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेंज ऑफ द ईस्टर्न हिमालय इज मोर कंटिन्यूस एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न हिमालय, गलत है, देखो ईस्टर्न हिमालय कम कंटिन्यूस है बजाय वेस्टर्न हिमालय के, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। डूम्स एंड डूम्स फॉर्मेशन करेक्टरिस्टिक ऑफ द अरुणाचल हिल्स, ये गलत है, अरुणाचल हिल्स की फॉर्मेशन नहीं है ये, जम्मू कश्मीर के जो पार्ट है उसको शो करता है, लॉन्गिट्यूडनल वैली जो है कश्मीर हिमालय रीजन की उसमें डूम्स मिलते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, द हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमाचल लाई बिटवीन द रिवर झेलम एंड वेस्ट ऑफ द काली इन ईस्ट, ये गलत है, देखो हिमाचल एंड
उत्तरांचल हिमाचल लाइज बिटवीन बिटवीन रिवर ऑफ रवि, यहाँ पे झेलम की जगह रवि आना चाहिए, रवि इन वेस्ट एंड काली इन ईस्ट। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया नन। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वेलकम टू ऑल इंडियन सर टेस्ट सीरीज, दिस इज टेस्ट नंबर 6। वी हैव डिस्कस ऑलरेडी 1 to 20 क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अलकनंदा हैज इट इज सोर्स इन सैतोपंथा ग्लेशियर। देखो अलकनंदा का चक्कर क्या है, चक्कर यह है कि देव प्रयाग के अंदर भागीरथी नदी मिलती है अलकनंदा से, दोनों मिलकर आगे जाते हैं उसे कहते हैं गंगा। तो अलकनंदा का जो सोर्स है ना वो सप्तोपैथी ग्लेशियर में है जो बद्रीनाथ से ऊपर है, इसलिए फर्स्ट हमारा सही है। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं, द घगेरा ओरिजिनेट, तो घगेरा जो ओरिजिनेट इन द ग्लेशियर ऑफ मिलामा, ये मिलामा गलत नहीं है, मोपचा चोंगा ग्लेशियर से निकलती है जो नेपाल के अंदर है, ये है इसका आंसर। ठीक है, तो सेकंड हमारा गलत हो गया। सारदो सूर्य रिवर राइज इन मपचोंगा ग्लेशियर इन नेपाल हिमालय, ये भी गलत है, ये राइज इन मिलाम है, इन दोनों को ऊपर कर दो, जहाँ मिलाम है वहाँ पपचा चुंगांगा है और जहाँ पर माप चुंगांगा है वहाँ पर मिलाम पे है। ठीक है, तो इन दोनों का इसमें इस दोनों में आप ऊपर नीचे लिखा हुआ है आंसर, तो फर्स्ट हमारा सही है, सेकंड हमारा गलत, थर्ड हमारा गलत है, इसलिए आंसर हमारा ए है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे ये है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज ओरिजिनेटेड आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी, जो इंडियन टेरिटरी से बाहर से कौन सी रिवर बनती हैं। देखो जो सतलुज है वही बाहर से बनती है, ब्रह्मपुत्रा भी बाहर से ही है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, ठीक है, जिसको बंगाली के अंदर जमुना कहते हैं, तिब्बतन के अंदर तिसांगा ग्रुप कहते हैं, वो जो नदी है वो बाहर से है, साउथ एशिया से है। ठीक है, मेजर रिवर ऑफ द सेंट्रल साउथ एशिया, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सतलुज की बात करोगे तो तिब्बतन से निकलती है, ठीक है, रक्षित्रा से लेक से निकलती है वहाँ से, तो ये भी गलत है। थर्ड एंड फोर्थ ये सही है आंसर इसका। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका आंसर 1 and 2 जो नदी है बाहर से निकल, तो क्वेश्चन पूछा गया है विच इज ओरिजिनेट आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी, तो 1 and 2 हुआ, तो आंसर इसका ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट के निकालते हैं। तो फर्स्ट है पलगोंडा जावेदरी एंड पलानी हिल्स, ये क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, इसका आंसर है 3, 2, 1। पहले पलानी आती है, फिर जावेदा आती है, फिर हमारे पलगोंडा आती है, ये है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो आंसर इसका ये, आप मैप बेस क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखें इसके अंदर आके। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन आर कंसिडर्ड एज अ पोटेंशियल साइट फॉर प्रोड्यूसिंग टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी हमारी किसके साइड से बनती है, देखो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन भी है, गल्फ ऑफ कोम्बे भी है, गल्फ ऑफ कच्छ भी है और गंगटिक रीजन ऑफ सुंदरबन रीजन है, तीनों से हमारी एनर्जी बनती है। कम से कम 7000 मेगावाट गल्फ ऑफ कम्बोड से बनती है, 12000 कम से कम गल्फ ऑफ कच्छ से बनती है। ठीक है, तो अगर आप गंगेटिक रीजन की बात करोगे तो कम से कम 100 मेगावाट तो बनती है, इस हिसाब से 1, 2, 3 इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 24-5 पे चलते हैं। 25 सिंपल है, न्यूक्लियर पावर एनर्जी को बनाना है इसके प्लांट लोकेशन से। कंडुकलम तमिलनाडु के अंदर है, ये तो पता ही है आपको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जैतपुर महाराष्ट्र के अंदर, ना कि गुजरात के अंदर है। और थर्ड हमारा सही है, नरोरा यूपी के अंदर है, तो 1 and 3 इसका आंसर हो गया। 26 पे आते हैं, द सिटी ऑफ द बैना नबलाग्रह और नगरापंथम, ये मैंने आपको क्वेश्चन स्टडी में कराया था, नगरापंथम किससे रिलेटेड है, ओल्ड रिफाइनरी से, तो आंसर बी है इसका आंसर, 26 का आंसर है बच्चों भी। 27 पे आते हैं, 27 पे आंसर है इसका, पहला पढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करदुंगला इज अ माउंटेन पास इन द लद्दाख रीजन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख, तो कंदुंगला एक माउंटेन है लद्दाख रीजन के अंदर, इंडियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर, ये सही है। दूसरा है तराई रीजन में फाउंड द नॉर्थ ऑफ द भाबर रीजन, ये गलत है, भाबर रीजन के नॉर्थ में नहीं साउथ में पाया जाता तराई रीजन, तो सेकंड में गलत हो गया। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड मजुलिनी लोकेटेड इन असम, ये सही है, तो 1 and 3 इसका आंसर हो गया। देखो आप देख नहीं रहे कितने स्टैटिक क्वेश्चन है, जब तुम आपसे कहता हूँ स्टैटिक क्वेश्चन करो आप 1 and 3 भाई, समझने वाला क्वेश्चन आप पॉलिटी में तो लगाओगे, पर लेकिन जब बहुत जगह क्वेश्चन ऐसे आपको स्टैटिक पता होना चाहिए। क्वेश्चन 28 पे चलते हैं, व्हाट इज द लाइकली रीजन फॉर हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। कह रहा है अरेबियन सी से ज़्यादा बे ऑफ बंगाल के अंदर साइक्लोन क्यों आते हैं। पहला कह रहा है कि हायर टेम्परेचर है अरेबियन सी का, गलत है, टेम्परेचर तो बे ऑफ बंगाल का ज़्यादा है अरेबियन सी से, तो पहला तो गलत ही हो गया। कॉन्स्टेंट इनफ्लो ऑफ द फ्रेश वाटर फ्रॉम द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सही है, बे ऑफ बंगाल के अंदर बार बार गंगा ब्रह्मपुत्र का पानी गिरता रहता है जिसकी वजह से साइक्लोन बनने में हेल्प मिलती है, ये भी सही है आंसर।
थर्ड है हमारे पास हायर रेनफॉल रिसीव्ड इन बे ऑफ बंगाल, ये भी सही है। तो रिसीव ज़्यादा पानी रिवर मिलती है बे ऑफ बंगाल के, तो 2 और 3 इसका आंसर होगा, इसका 1 नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ द बोर्डली चिरारा रेफर टू द, इसका आंसर है लोकल विंड्स इन असम रीजन को हम बोराडरी कहते हैं। 29 का आंसर हो गया ए। 30 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है हमारे पास बघेलास आर द विंटर ग्रासलैंड इन लोअर रीजन ऑफ द हिमालय। देखो हिमालय के अंदर क्या होता है, हिमालय के पास एक वहाँ प्रजाति है जिसका नाम है भोतियाज। जो भोतियाज है नोमैडिक है, वो क्या करते हैं, वो ना जब गर्मी होती है तो वो ग्रासलैंड से माइग्रेट कर जाते हैं, ग्रासलैंड की तरफ आ जाते हैं, उसका नाम है भोगियाज। तो जो भोगियाज है ना, ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, ये विंटर ग्रासलैंड नहीं समर ग्रासलैंड है, इसलिए फर्स्ट वहाँ गलत हुआ। सेकंड पे आते हैं। इन द सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट आर करेक्टरिस्टिक बाय द हेरिटेरियन फोर्स स्पेसिस वैलिड इन टेस्ट टेम्पर, ये सही है। तो सेकंड हमारा था, ये सही है। इस हिसाब से आपका आंसर सिर्फ आंसर होगा सेकंड, फर्स्ट हमारा। टेस्ट नंबर 6 वी हैव डिस्कस 1 to 40 क्वेश्चन ऑलरेडी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 41। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला हमारे पे स्टेटमेंट है तेलंगाना विद गोलकोंडा माइंस इज ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, गलत है। ओनली नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर भी डायमंड माइंस है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड पे आ जाओ, खेतड़ी माइंस इन राजस्थान इज नोन एज प्रोडक्शन कॉपर, ये भी सही है। देखो कॉपर के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो साइट है वो हमारे राजस्थान के अंदर खेतड़ी है, सही है यहाँ तक। थर्ड है हमारे पास बालादयाल रेंज ऑफ छत्तीसगढ़ इज नोन एज प्रोडक्शन ऑफ द हाई ग्रेड आयरन ओर, ये सही है। आयरन ओर हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर बालादयाल रेंज से मिलती है, तो 2 और 3 हमारा सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे आएंगे। देखो ये क्वेश्चन पूरे का पूरा स्टैटिक है और फैक्चुअल बेस पे डिपेंड है। सिक्किम अरुणाचल प्रदेश वेस्ट बंगाल शेयर बाउंड्रीज विद 3 कंट्रीज, सही बात है। सिक्किम अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल 3 कंट्री से बाउंड्री शेयर करते हैं, याद कर लो ये इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री चाइना एंड नेपाल। असम शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश एंड भूटान। तो 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही हैं। देखो मैं आप जब तक कहता हूँ आपको स्टैटिक क्वेश्चन याद करना बहुत जरूरी है, अब ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए आप छोड़ दो तो आप 4 नंबर गए। तो 42 का आंसर हो गया हमारा 1, 2, 3। ये पूरी की पूरी याद करने की चीज़ें, जो लोग कहते हैं कि याद नहीं करना होता, देखो याद करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 43, ये कुछ हमारे हिल स्टेशन है और इसको स्टेट से लगाना है। पहला है हमारे पास डलहौजी, जो देखो डलहौजी उत्तराखंड से की साइड पर नहीं है, ये बनेगा आपको हिमाचल प्रदेश की साइड पर, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। विल्सन हिल्स गुजरात के अंदर ना कि महाराष्ट्र के अंदर, तो थर्ड हमारा गलत हो, सेकंड गलत हो गया। जेमिस हिल हमारे पास कहाँ पर है, ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है त्रिपुरा, तो फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट 2, 3 तीनों गलत हो गए, तो आंसर नन इसका। अगर आप टाइगर रिजर्व की बात करोगे 44 के अंदर कि भाई जो टाइगर रिजर्व है विच ऑफ द शेयरिंग विच इज शेयर्ड बिटवीन द 2 स्टेट, जो 2 स्टेट के बीच में शेयरिंग रिजर्व है, वो हमारे पास नागार्जुन सागर एंड सरिसिलना। तो नागार्जुन सागर ये हमारे पास 2 स्टेट के बीच में, ये हमारे 2 स्टेट के बीच में, दो स्टेट के बीच में ये हमारा शेयर्ड बाउंड्रीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर आते हैं हमारे पास 45। द फेमस वेमबन लेक, ये तो पता ही होगा आपको, वेमबन लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट लेक है हमारे इंडिया के अंदर और ये हमारे केरला के अंदर है, तो आंसर होगी इसका सी, कोई बड़ी आंसर होगा इसका बी, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो अच्छा लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की हमारी। 46 पे चलते हैं बुकसाई। देखो अब हमारे पास मिनरल्स हैं, जो हमारे पास ये मिनरल्स है ना इसको लगाना माइन से। एक है हमारे पास बुकसाइड है हमारे पास लोहरादगा। अच्छा लोहरादगा कहाँ पर है, ये हमारे पास ये असम के अंदर है शायद, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट हमारा सही है। मीका हमारा इंडिया हमारा नंबर 1 प्रोड्यूसर है मीका का वर्ल्ड के अंदर, तो सबसे इसके जो इम्पोर्टेंट साइट का नाम है कोडरामा, ये सही है हमारे पास। कोल दाली राजरा, देखो दाली राजरा ना आयरन के लिए है, जो दाली राजरा है ये आयरन के लिए ना कि कोल के लिए, तो फर्स्ट एंड सेकंड सही हुआ, थर्ड मार्क लाता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ जाओ 47 पे आ जाओ। 47 पे है केरावाज यूजफुल फॉर कल्टिवेशन ऑफ जफर अ लोकल वैरायटी ऑफ सैफ्रन, सही है। द खरबी एनालॉग एंड मेघालय प्लेटू आर एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक, पेनिनसुलर ब्लॉक का एक्सटेंशन प्लेटू मेघालय, पता ही है ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, ये सबको याद ही हैं। 47 का आंसर 1 और 2, जब भी तो मैं आपसे कहता हूँ चीज़ें याद होनी चाहिए आपको बहुत सारी, 47 का 1 और 2 आंसर हो गया। 48 पे आ जाओ आप। अप्रोक्सीमेटली 69% ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज, हाँ सही है विलेज में रहती है। बिहार इज लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट
अमंग द ऑल इंडियन स्टेट, पूरी इंडिया के अंदर जो बिहार है सबसे लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है, गलत है, हिमाचल प्रदेश है इसका आंसर। थर्ड पढ़ते हैं, गोवा इज मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट अमंग द, सही है, तो वन एंड थर्ड सही हुआ इसका आंसर, 48 का आंसर वन एंड थर्ड है। 49 पे आ जाओ आप, 49 पे, इन इंडिया शेयर ऑफ अर्बनाइज स्टेट इज कंसर्न इन क्लास सेकेंड टाउन, गलत है। अर्बनाइज जो होते हैं क्लास वन में होते हैं, और क्लास वन में क्या होते हैं, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सिटीज़ एकोमोडेटिंग पॉपुलेशन साइज बिटवीन 1 से लेकर 5 मिलियन के जो लोग होते हैं किसी सिटी के अंदर, 1 से लेकर 5 मिलियन लोग हैं, तो उसे मेट्रोपोलिटन सिटी बोलेंगे, ये सही है। तो आंसर सेकंड सही है इसका, 49 का आंसर क्या होगा, सेकंड। 49 का आंसर हमारे पास क्या होगा, सेकंड होगा, तो 49 का आंसर सेकंड हो गया। आगे बढ़ते हैं, 50 पे चलते हैं। अबाउट द 1/4 ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया इज अंडर राइस कल्टिवेशन, हाँ ये सही है, राइस कल्टिवेशन के अंदर में। इन द वेस्ट बंगाल फेमस ग्रो क्रॉप्स ऑफ राइस आर कॉल्ड अनु अमाना बोरा, ये सही है, वेस्ट बंगाल के अंदर क्रॉप को क्या बोलते हैं, अनस अमन बोरा, तो वन सेकंड सही है, फर्स्ट सेकंड दोनों सही है इसके अंदर, तो 50 का आंसर वन एंड टू है। 51 पे चलते हैं, अबाउट 80% ऑफ कोल डिपॉजिट इन इंडिया ऑफ ब्यूटिमलाइज टाइप एंड नॉन कुकिंग ग्रेड सही है, फर्स्ट हमारा सही है। जहारा कोल फायर इज लोकेटेड इन उड़ीसा, उड़ीसा में थोड़ी ना ये कहाँ पर है, ये जो हमारे पास जहारा जो है ये हमारे पास मिलेगा आपको झारखंड के अंदर, ठीक है, तब सेकंड गलत हो गया। लिग्नेट टाइप ऑफ द कोल इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, फर्स्ट एंड थर्ड सही है आंसर, ठीक है। 52 पे चलते हैं, ऑयल फील्ड वाला, आप ऑयल फील्ड में बात करोगे तो ऑयल फील्ड हमारे स्टेट से लिया हुआ है, लुनेज, जो हमारा लुनेज है वो कहाँ से रिलेटेड है, वो गुजरात से है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। नारा कताइया हमारे अरुणाचल प्रदेश में नहीं, असम में है, तो ये गलत हो गया। दिग्बोय असम के अंदर पता ही है, तो थर्ड इसका आना सही हो गया, 52 सही हो गया। 53 पर चलते हैं, 53 के अंदर हमारे पीक्स हैं स्टेट के अंदर दी हुई है, हमारे पास है कुद्रुमेघ जो पीक है कहाँ पर है, कर्नाटका में सही है। कुसुबाई महाराष्ट्र के अंदर सही है, और दे दो बेटा कहाँ पर है, तमिलनाडु में, तो 1, 2, 3 तीनों सही। 54 पे चलते हैं, 54 पे विद रेफरेंस ऑफ द फिनोमेना ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन नॉर्थ प्लेन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हमारे नॉर्थ प्लेन के अंदर आता है वो किसके रिलेटेड है, दीज आर लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेटेड ओवर द मेडिटेरेनियन सी वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू द इंडिया अलोंग विद वेस्टर्न फ्लो, सही बात है, सेकंड हमारा सही है। द एरिया ऑफ द इमेंस इंपॉर्टेंट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट, तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है हमारे पास, दोनों सही हैं, 54 का आंसर 1 एंड 2 होगा। अगर आप ये देखो 55 पे अगर आप देखोगे तो इंडिजीनियस कैटल ब्रीड, जो कैटल ब्रीड की बतानी है आप कहाँ से कहाँ पर है, पैरा है खिलारिया है, क्या है बता रहा है कर्नाटका, जब खिलाड़ी जो है कर्नाटका नहीं है वो है महाराष्ट्र के अंदर, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। अमृत महल महाराष्ट्र का पार्ट है, अमृत महल कर्नाटका का पार्ट है, तो 1 एंड 2 दोनों ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। थर्ड है हमारे पास कन्याम तमिलनाडु का पार्ट है, ये सही है, तो तमिलनाडु के अंदर कैटल का नाम कन्यागम है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया 55 क्वेश्चन, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। सो टेस्ट सीरीज, दिस इज टेस्ट नंबर 6, वी हैव डिस्कस 1 to 55 क्वेश्चन ऑलरेडी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी दी गई है और यहाँ स्टेट दिए गए हैं, इनको मैच करना है। फर्स्ट है हमारे पास ईगल नेस्ट वाइल्ड सोसाइटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम के अंदर है, ठीक है सही है ये। सोनाई रूपरी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश सही है। लिंगतांग कहाँ पर है, मणिपुरी, तो 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही आंसर, स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। 56 का आंसर डी हो गया। 57 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर्स, तो ब्रह्मपुत्र रिवर्स के अगर हम पार्ट देखेंगे तो कौन कौन सी रिवर्स इसका ट्रिब्यूट बनती है, फर्स्ट डिबांग है सही है, सुबनसिरी है ये भी सही है, और आतिक है। देखो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, इसका कोई इलाज नहीं है, तो 1, 2, 3 तीनों के आंसर सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया आर वेस्ट फ्लोइंग, इनमें से कौन सी रिवर वेस्ट में गिरती है, वेस्ट का मतलब क्या, अरेबियन सी के अंदर गिरती है। अगर आप फर्स्ट देखो नर्मदा हमारी 5वीं लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, और ये हमारी वैसे भी गल्फ ऑफ
या फिर ये जो पांचवी हमारे पास रिवर है ना, ये हमारी जो नर्मदा रिवर हमारी फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है, तो ये वहाँ पर ये सीधा जाके अरेबियन सी के अंदर गिरती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से होते हुए अरेबियन सी के अंदर गिर जाती है। तो फर्स्ट हमारे पास सही है, सही है। सेकंड है हमारे पास, अच्छा थर्ड पढ़ो माही। माही भी हमारे पास ओरिजिनेटेड होती है, ये कहाँ से, मध्य प्रदेश से होते, ये भी अरेबियन सी के अंदर गिरती है, तो ये भी सही है। साबरमती को देखो, साबरमती उदयपुर के अंदर जनरेट होती है और अरावली हिल्स राजस्थान के पास से, ये भी सीधा जाके सीधा निकलते निकलते अरेबियन सी में गिर जाती है। पर जो सेकंड है ब्रह्मणी जो है वो हमारे पास उड़ीसा में जनरेट होती है और ईस्ट इंडिया में जाके गिरती है, मतलब बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो फर्स्ट थ्री एंड फोर इसका आंसर होगा, सेकंड नहीं है इसका आंसर, ठीक है। फर्स्ट थ्री एंड फोर तो आंसर हो गया बच्चों बीस का, 58 का आंसर हो गया। 59 पे चलते हो तो इधर हमारे नेशनल वाटर्स है और इधर हमारे पास स्ट्रेस्ट है। अब देखो नेशनल वाटर्स आपको याद होने चाहिए, चार तरह के होते हैं। पहला पढ़ते हैं, चलो फर्स्ट, पहले हम स्टार्ट करते हैं सेकंड से, स्टार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। नेशनल वाटर हाईवे जो सेकंड है हमारे पास, वो हमारे पास दुबई से लेकर सद्दाख तक होता है, तो फर्स्ट तो गलत ही हो गया हमारा। सेकंड नेशनल हाईवे थर्ड, नेशनल हाईवे थर्ड हमारे पास कोतामपुर से ले कोलम, तो इसका मतलब है जो सेकंड एंड थर्ड जो फर्स्ट और सेकंड का आंसर ऊपर नीचे दिए हुए हैं, तो सेकंड भी गलत हो गया भाई। कोतामपुर और कोलम जो है वो नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवेज थर्ड में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत। अगर आप थर्ड का फर्स्ट का देखोगे, मतलब थर्ड के हिसाब से देखोगे, तो नेशनल वाटर वन जो है हमारे पास, ये है गंगा से होता, गंगा रिवर सिस्टम, इसे हल्दियाई अलाहाबाद से कहते हैं, तो सही है। तो इनके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड का देखोगे, थर्ड सही है, फर्स्ट और सेकंड गलत हैं। फर्स्ट और सेकंड बेसिकली उल्टे लिखे गए हैं, जो सेकंड का आंसर है फर्स्ट का आंसर है सेकंड में, सेकंड का आंसर थर्ड में है, ठीक है। और थर्ड हमारे पास सही है, तो उसका आंसर होगा ओनली थ्री, ठीक है। तो 59 का आंसर बच्चों क्या होगा, थर्ड भी हो गया। ये आपको याद होना चाहिए, देखो ये मैं बता रहा था आपको, गंगाई हुगल जो हो गया नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे टू हमारे पास दुबई सादिक हो गया, तो नेशनल हाईवे थर्ड हमारे पास कोतमपुर कोलम हो गया, नेशनल हाईवे फोर जो होता है वो हमारे पास वजीवाड़ा से और कृष्णानगर जो है हमारे पास, कृष्णा जो है वजीवाड़ा ऑफ कृष्ण रिवर कृष्णा के पास ही है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास, कल्चरेबल वेस्ट लैंड इज कैटेगरी ऑफ द लैंड यूज इन इंडिया, इसका मतलब क्या है। देखो कल्चरेबल वेस्ट लैंड का मतलब ये होता है कि जो लैंड 5 साल तक ऐसी पड़ी रहती है, मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर तक अगर वो अनकल्टिवेटेड है, तो उसे हम कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोलेंगे। तो उसका आंसर है डी, इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। तो बच्चों आंसर से क्या डी है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द विद रिफरेंस टू द स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC इन इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके पार्ट दिए गए SFAC के। फर्स्ट है SFAC इज अ कॉन्स्टिट्यूटेड सोसाइटी टू फैसिलिट एग्री बिजनेस वेंचर बाय कैटलाइजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सही है। फर्स्ट हमारे पास सही है, वैसे भी 1994 को बनाता है, 1994 के अंदर बनाता, सही है। फर्स्ट हमारे पास SFAC इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट INAM इलेक्ट्रॉनिक एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सेल परचेजिंग होती है, ठीक है। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। SFAC इज वन ऑफ द प्रोक्योरमेंट एजेंसी सिमिलर टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों आंसर होंगे इसके डी। 62 पे चलते हैं, 62 के अंदर फर्स्ट हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीम कोटेड एरिया रिलीजिंग नीम ऑयल इन सोयल डैट इंक्रीज द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो गलत है ये। जो नीम कोटेड यूरिया है ना, नीम कोटेड यूरिया स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, ये रेट डिसोल्यूशन की रेट को कम करता है, जिसकी वजह से कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन में कोई हेल्प नहीं करता ये ऐसा। भाई जो नीम कोटेड है वो नीम कोटेड यूरिया स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन सोयल, सोयल के अंदर यूरिया को ना मिले इसकी वजह से नीम कोटेड यूरिया मिलाते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो है इट डज़ नॉट हेल्प इन इंक्रीजिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द सोयल माइक्रोरिज्म, तो फर्स्ट में गलत हो गया। सर्टिफिकेशन ऑफ द सीड इज मैंडेटरी इन इंडिया, गलत है, मैंडेटरी नहीं है। जो सीड सर्टिफिकेशन तरह की प्रोसेस है जिसके अंदर मेंटेन करते हैं मेक अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक कंटिन्यू सप्लाई द हाई क्वालिटी सीड, तो कैसे सप्लाई करना है, तो एक ये लीगल सैंक्शन तो है पर लेकिन नॉट ए मैंडेटरी। तो फर्स्ट सेकेंड भी गलत हो गया हमारा।
थर्ड पढ़ते हैं जीरो बजट फार्मिंग पर टैक्सेस पता होना चाहिए आपको। जीरो बजट फार्मिंग का मतलब होता है कोई एडिशनली कोई चीज़ हम ना डालें, मतलब कोई भी थर्ड चीज़ पार्टी हम ना यूज़ करें। तो वही लिखा होगा जीरो बजट फार्मिंग प्रैक्टिस बिलीव नो एडिशन ऑफ द सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इन टू द सोइल। तो आंसर हो गया ओनली थ्री, ठीक है 62 का आंसर हो गया ओनली थ्री। क्वेश्चन नंबर आप 63 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फूड ग्रेन हमारा राइस है, राइस हमारे उत्तर प्रदेश से, गलत है, राइस तो हमारा पंजाब है। वीट हमारे पास उत्तर प्रदेश से, फर्स्ट भी गलत सेकंड भी गलत। अच्छा मेज का देखें तो हमारे पास कर्नाटका, ये थर्ड सही है आंसर। तो फर्स्ट का गलत, सेकंड गलत, थर्ड गलत, सही सही फर्स्ट गलत सेकंड सही से, थर्ड हमारा सही होगा कर्नाटका। तो मेजर जो है वो कर्नाटका से है, वीट का अलग दिया हुआ है, राइस और उनको उल्टा लिखा हुआ है। तो 63 का आंसर थर्ड हो गया। अगर आप 64 देखोगे, 64 देखते हैं, वेस्ट बंगाल इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फिशरीज अलाउड बाय आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में ऑलरेडी आ चुका है कि इनमें से कौन सा नंबर वन प्रोड्यूसर है। तो नंबर वन पे होता है आंध्र प्रदेश, तो गलत लिखा है ये। तो वेस्ट बंगाल इज़ अ नॉट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द फिशिंग फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश, के बाद वेस्ट बंगाल आता है भाई। पहले आएगा आंध्र प्रदेश, फिर आएगा वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात और फिर केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो गलत है, तो फर्स्ट गलत हो गया। अबाउट 25% ऑफ द मरीन फिश लैंडिंग इन द एरिया वेस्ट कोस्ट, अराउंड 75 कंट्रीब्यूट बाई ईस्ट कोस्ट। देखो 75% जो है ना, जो लगभग लगभग जितनी मिलती है हमको फिश, वो ना वेस्ट कोस्ट से मिलती है और 25 हमारी ईस्ट कोस्ट से मिलती है। तो ये दोनों उल्टे लिखे हुए हैं, तो फर्स्ट भी गलत सेकेंड भी गलत। अच्छा तुरानस आर हाईली माइग्रेटेड कमर्शली इम्पोर्टेड फिश वाटर, नहीं गलत है ये। देखो नहीं, ये जो क्वालिटी है फिश की, ये क्या करती है ना, साल्ट वाटर फिश है एक तरह की, और इसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, पर इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि सबसे ज़्यादा कमर्शियल इम्पोर्टेड ये इम्पोर्टेंट फिश है ये। तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। तो अगर हम देखें तो 1, 2, 3 तीनों के आंसर गलत मिले हैं। अच्छा जो ये विटामिन बी ट्वेल्व में भी काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि हाई प्रोटीन तो इसके अंदर होता ही है। अच्छा ये वेट इम्प्रूव करने के लिए इस फिश खाने के बाद कैन इम्प्रूव द वेट लॉस और रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। तो हमारे पास देखो तो थर्ड भी गलत है, सेकंड भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है, 1, 2, 3 तीनों गलत है, नन आंसर है इसका। 65 पे चलते हैं, 65 पे है रीजन और क्रॉप, ये क्रॉप और रीजन को बताया गया। अच्छा पहला है हमारे पास शिवमंगा, तो शिवमंगा है वो कर्नाटका के अंदर पार्ट है, तो रिकॉर्ड हो गया सही है फर्स्ट हमारे पास। सेकंड भी हमारे पास पेम्पोर है सैफरन, ये भी सही है। जो पेम्पोन सैफरन कहाँ की जगह है, ये श्रीनगर झेलम के पास का सही है। कोरोमॉडल भी देखें तो सोयाबीन, ये गलत है, ये थर्ड हमारे पास गलत है। तो फर्स्ट है सेकंड सही है। तो ये काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चन हैं, ये आपको पता होने चाहिए, इसका कोई इलाज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। तो विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्री कॉरिडोर जो बिलीव इन फंडेड बाय, तो विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्री कॉरिडोर ये हमारे खास किसने फंडेड करा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने डेवलप करा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 67 पर चलते हैं। विद द रेफरेंस टू द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 की बायोफ्यूल नेशनल पॉलिसी पढ़ते हैं। विद एडवांस बायोफ्यूल्स पॉलिसी इंडिकेट अवेबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरीज इन एडिशन टू एडिशनल टैक्स इंसेंटिव हायर परचेजिंग प्राइस एज कम्पेयर टू द आईजी बायोफ्यूल। सही है, इसके अंदर पार्ट है। द पॉलिसी इंक्रीज सेटिंग ऑफ द सप्लाई चैन मैकेनिज्म फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन फॉर नॉन एडेबल ऑयल सीड यूज्ड कुकिंग ऑयल शॉर्ट गेस्टेशन क्रॉप्स। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, ये आपको पॉलिसी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। जीरो ट्रेड हैव इन कार्बन सब्सिक्यूटिंग एंड रिमेनिंग मिनिमम लेबर कंपेयर टू ट्रेडिशनली फार्मिंग मेथड, तो ये सही है। मिक्स्ड फार्मिंग रेफर टू ग्रोइंग 2 or more क्रॉपिंग इन द सेम फार्मलैंड, नहीं ये तो ये नहीं होता। देखो मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या है, जहाँ पर एग्रीकल्चर भी हो और पशुपालन भी हो, ठीक है, दोनों होने चाहिए उसे हम कहते हैं, ठीक है, लाइफ स्टॉक होना चाहिए। तो ये तो सेकंड तो गलत ही हो गया। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब ये नहीं है कि 2 से ज़्यादा क्रॉप आपने उगा दी, वो नहीं है, वो तो इंटरक्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग होता है। तो मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है जहाँ पर एग्रीकल्चर भी होता है और वहाँ पर एनिमल्स का पशुपालन भी होता है, लाइफ स्टॉक। तो सेकंड गलत हो गया। थर्ड पे आते हैं, वर्टिकल फार्मिंग इज अ प्रैक्टिस टू प्रोड्यूसिंग फूड एंड मेडिसिन
इन वर्टिकल स्टेट लेयर इन लेयर इन स्ट्रक्चर्स लाइक स्काई स्क्रैपर्स एंड वेट हाउस। सही है, तो वन एंड थर्ड आंसर सही हो गया। ठीक है, डी आंसर। 69 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च ऋतु बंधु स्कीम टू सपोर्ट फार्म इन्वेस्टमेंट फॉर टू क्रॉप्स अ ईयर। तो आंसर है, नाम से मालूम पड़ रहा है आपको, डी होगा सर, नाम तेलंगाना। तो आंसर हो गया डी इसका। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलो हो गए तो आ जाओ। विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कल्टीवेशन। कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर अराउंड द ईयर लॉन्ग फोस्ट फ्री डे। नहीं नहीं, पूरे साल नहीं होता, 200 डेज फोस्ट फ्री डेज होना चाहिए। अच्छा, टी कल्टीवेशन इज रिक्वायर्ड लोमी सॉइल विच इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर एंड हाई रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। सही है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल लोकेटेड हैदराबाद। ये भी सही है, तो 2 and 3 इसका आंसर हो गए। सही है, 2 and 3 इसके अंदर हो गए। 71 देखो, द विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज मैन मेड फाइबर। पता ही आपको, नायलोन पॉलिस्टर है भाई, नायलोन हो गया और पॉलिस्टर हो गया। हमारे पास लिनिन तो नहीं है, लिनिन तो डायरेक्ट मिलता है हमको। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। 6 वी हैव डिस्कस ऑलरेडी 1 to 70 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स आर मैनमेड फाइबर्स। इनमें से कौन से मैनमेड फाइबर हैं? देखो लाइनिन, देखो नायलोन और पॉलिस्टर तो है ही हैं, और लाइनिन नहीं है बस। तो सेकंड एंड थर्ड आंसर हो गया इसका। सिंपल सा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बी आंसर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 72 पे। द एक्सप्रेशन ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ये पताना चाहिए आपको, बॉम्बे से रिलेटेड है। सिंपल है आंसर इसका सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। नेपथलिन्स बॉल, देखो नेपथलिन्स बॉल का इस्तेमाल क्या करते हैं, एक ना तरह की कोल तार के बॉल होती हैं। इससे क्या होता है, इससे जो इंसेक्ट्स होते हैं ये दूर भागते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। नेपथलिन्स बॉल्स आर यूज टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। विच एक्सट्रैक्टिंग द पेट्रोल फ्रॉम द रिजर्वर रॉक। जब रिजर्वर रॉक से पेट्रोल निकालते हो तो पेट्रोल के साथ में और भी चीज़ मिलती है, तो उनमें क्या क्या मिलता है? देखो इनमें क्या मिलता है, इसका आंसर जो है पहले तो आप इसे बनाओगे 1, 2, 3। तो इसका आंसर पहले तो मिलेगा हमें नेचुरल गैस, फिर मिलता है ऑयल, फिर मिलता है वाटर। तो सबसे ऊपर सरफेस पे क्या मिलेगा? गैस। जो आप थोड़ा सा और देखोगे तो आपको मिलेगा फिर इसके अंदर ऑयल, फिर मिलेगा आपको वाटर। जिसका डायग्राम में आ जाइए, पहले मिलती है गैस, फिर मिलता है ऑयल, फिर मिलता है वाटर। ठीक है, ये डायग्राम याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। अच्छा, क्वेश्चन 75 है। टेडल एनर्जी इज बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टेडल एनर्जी किस पे बेस होती है? हाइट ऑफ द टाइड्स पे, डिफेंस इन द हाइट्स ऑफ टाइड। जितनी ज़्यादा डिफेंस होगा हाइट पे, उस हिसाब से पानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ आएगा, जिसकी तरफ वजह से एनर्जी बहुत ही बढ़ेगी और कोई भी चीज़ टर्बाइन घूम जाएगी। अगर टर्बाइन घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। थर्मल एनर्जी अगर हम उसका हीट के द्वारा घुमाएंगे थर्मल एनर्जी, और अगर वेव्स के द्वारा घुमाएंगे तो ये कहेंगे टाइडल एनर्जी। तो आंसर उसका बी, आंसर 75 का आंसर है बी। 76 पे चलते हैं। वाई द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट नोट द ईस्टर्न स्लोप। कह रहा है कि जो वेस्टर्न घाट्स है वो ज़्यादा, उस पर पेड़ ज़्यादा हैं, फॉरेस्ट ज़्यादा घना है, पर लेकिन ईस्टर्न स्लोप पे नहीं है। ईस्टर्न स्लोप पे इसलिए नहीं क्योंकि वो शेडो एरिया में आता है। इसमें क्या है, सिंपल आंसर। तो फर्स्ट इसका दिया हुआ है, सोइल इन ईस्टर्न स्लोप कैन नॉट सपोर्ट वेजिटेरियन। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पर न्यूट्रिशन ना हो, ऐसा कैसे हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास, ईस्टर्न साइड फॉल्स इन रेन शेडो जोन। तो सेकंड सही है, नो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एग्जिस्टिंग इन द ईस्टर्न स्लोप। तो फर्स्ट एंड थर्ड तो आपको फालतू के लगेंगे, आंसर इसका सेकंड। 76 का आंसर बी है। 77 बचपन से पढ़ते आ रहे हो। विच क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर डू नॉट फॉर्म द डेल्टा। ये क्वेश्चन बताने की जरूरत मुझे है नहीं, बचपन से हर बच्चे को पता है इसका आंसर है इसका। देखो नर्मदा और तापी, ये दो रिवर ऐसी हैं जो डेल्टा फॉर्म नहीं करती। तो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर हो गया डी। 78 पे चलते हैं। विद द डिफरेंस ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा पैटर्न बनता है? डेंटिन पैटर्न डेवलप्स वेयर द रिवर चैनल फ्लोइंग स्लोप ऑफ द टेरेन। सही आंसर ये, मैं इसको समझाता हूँ आपको तरीके से। और दूसरा हमारे पास टिलिस पैटर्न डेवलप इन स्ट्रॉन्ग जॉइंट रॉक टेरेन, गलत है। थर्ड है हमारे पास ए रेक्टेंगुलर पैटर्न डेवलप वेयर द हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स एग्जिस्टिंग पैरेलल टू ईच अदर, ये भी गलत है। रेडियल पैटर्न डेवलप्स व्हेन स्ट्रीम फ्लोज इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल पीक, ये सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। इसको आप ऐसे समझो, ये चार लाइन दी हुई है, चार डेफिनेशन समझ लो, अच्छी तरह से।
पहला है हमारे पास जो द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबल द ब्रांच ऑफ द पेड़, जो पेड़ की ब्रांच होगी तो इस तरह फैली होती है उसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। एग्जांपल क्या, नॉर्थन प्लेन के अंदर जो रिवर्स होती है हमारी, पहली बात। सेकंड पे आते व्हेन द रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिल्स, हिल से कोई रिवर ओरिजिनेट हुई और हर दिशा में भागी, तो दिस पैटर्न को बोलेंगे रेडियल पैटर्न, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या है, अमरकंटक का रेंज इसका एग्जाम्पल है, बता चुका हूँ मैं आपको ये बातें। मान लें कोई, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कोई एक रिवर है उसका कोई, इसकी जो पहली कोई जो धारा है वो चल रही है पैरेलल टू द अदर, उसी के दूसरे धारा के साथ में, उसे कहेंगे हम टिल्डिसिस, ठीक है। व्हेन द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम द ओल्ड डायरेक्शन इन द लेक, और हर डायरेक्शन के अंदर पानी जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट के अंदर लेक के अंदर, तो उसे बोलेंगे सेंट्रीपिटल। इसके हिसाब से आंसर 1/4 हुआ, इसको आप याद करो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली में इनमें से कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो आंसर है इसका 2 and 3 दामोदर एंड तापी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 80 देखो आप जरा, एज पर द रिसेंट सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड नो शेड्यूल ट्राइब्स। देखो मैंने एक दिन पहले एक वीडियो बनाई थी रात को, मैंने उसमें कहा था कि शेड्यूल कौन कौन से एरिया, उसमें क्वेश्चन भी था कि अभी किस एरिया में शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है, बताओ किस में नहीं है, हरियाणा में नहीं है और पंजाब में नहीं है, तो 2 and 3 आंसर हो गया। नहीं अभी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंसर है फर्स्ट द ब्लैक राइनोसिस इज ए स्पीसीज ऑफ राइनोसिस नेटिव टू ईस्टर्न एंड साउथ अफ्रीका, सही है। व्हाइट रैनो इज ए नेचुरली फाउंड इन इंडिया, नहीं नेचुरली फाउंड नहीं होता। पालमस होस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ द इंडियन राइनोसिनस इन इंडिया, गलत है। जो सबसे ज़्यादा है वो काजीरंगा सब में मिलते हैं, तो थर्ड भी गलत है सेकंड भी गलत है, आंसर फर्स्ट होगा सिर्फ 81 के अंदर। क्वेश्चन चलते हैं 82 पे, विद द डिफेंस ऑफ द PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया डेट गवर्न कंडक्ट ऑफ प्रिंटिंग मीडिया, सही है। इसमें क्या है, इट इज इंक्रेज द ग्रोथ ऑफ सेंसस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पब्लिक सर्विस अमंग ऑल दोज इंगेज्ड इन प्रोफेशनल जर्नलिज्म, ये भी सही है, साफ सही लग रहा है। द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कंप्लेंट्स अगेंस्ट बाय द प्रेस इन मैटर रिलेटिंग टू द जर्नलिस्ट और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एथिंग्स फेलियर, सही है। तो 1, 2, 3 आंसर हो गए, क्लियर सी बात है, पढ़ के आप आराम समझ जाओगे, 1, 2, 3 आंसर इसका। आओ पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलो विच विद द रिफ्रेंस ऑफ द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में बात करते हैं। इट हैज़ नो ऑफिशियल डेफिनेशन, गलत ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है इसका, पूरा रेगुलेशन है ही, तो फर्स्ट तो गलत ही हो गया हमारा। सेकंड है AIF के अंदर क्यों कहते हैं, वेंचुअल कैपिटल फंड होता है, हेज फंड होता है और प्राइवेट इक्विटी फंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है सबको, तो सेकंड हमारा सही है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मेक्स एंड कैन नॉट मेक इन्विटेशन टू पब्लिक एट लार्ज टू सब्सक्राइब इट इज यूनिट एंड कैन राइज फंड फ्रॉम सोफिस्टिकेट इन्वेस्टेड ओनली थ्रू द प्राइवेट रिप्लेसमेंट, सही है, ऐसा ही है। AIF भाई जैसे ये हज फंड है, हज फंड डायरेक्ट तो हमारे इंडिया के अंदर हम उसको नहीं लगा सकते हैं, तो क्या करते हैं, तो विदेशी जो लोग होते हैं वो FII के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप देखो FII के थ्रू इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको SEBI के साथ में रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो अब क्या करते हैं, जो हज फंड किसी को लगाना है तो वो PN का यूज़ करते हैं, जो पार्टिसिपेटिंग नोट होता है, पार्टिसिपेटिंग नोट के अंदर हज फंड लगाया जाता है और पार्टिसिपेटिंग नोट के थ्रू FII इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, इसे कहते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो फर्स्ट गलत, सेकंड और थर्ड तीनों दोनों सही हैं, 83 का आंसर सही हो गया। बोम का एक कंथक एंड इकाता साड़ी किससे रिलेटेड है, उड़ीसा, सिंपल है ये, तो क्वेश्चन 84 का आंसर भी हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, INS विक्रांत वाज फ्लैगशिप ऑफ इंडियन नेवी बिफोर INS विक्रमादित्य वाज कमीशन 2013, बिल्कुल सही है। INS विक्रमादित्य इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर, गलत है। मैंने बताया था कि आपको जितनी भी ये INS जो होती हैं ये डीजल चलती हैं स्टैटिक क्वेश्चन के अंदर, तो फर्स्ट सही हुआ, सेकंड गलत हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट हमारा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन इकोनॉमी एंड कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग GDP, बिल्कुल सही है। लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो शो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, सही है। 1 and 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1 and 2 आंसर हो गए। नॉर्थ कोरिया शेप बाय नॉर्थ कोरिया, 87 क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नॉर्थ कोरिया शेयर्स बाउंड्री विद चाइना, बिल्कुल सही। साउथ कोरिया सही है, रशिया सही है, बिल्कुल ठीक है। 49 पैरेलल लाइंस, देखो 49 पैरेलल लाइंस क्या होती है हमारी, अलग है। 39 चलो पढ़ते हैं, 49 पैरेलल लाइंस पॉपुलर नेम एज एल्टीट्यूड 49 नॉर्थ दैट ईस्ट रफली डेमोक्रेटेड नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, गलत है।
नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को अलग करने वाली जो लाइन है उसका नाम है 39 पैरेलल लाइन, ना कि 49। तो गलत हो गया सेकंड, तो आंसर है इसका 1। 88 पे चलते हैं। उमामुना एक तरह का क्या है, ये अभी कुछ न्यूज में चला था। तो इट इज़ अ फर्स्ट कन्फर्म्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अनदर स्टार टू विजिट अवर सोलर सिस्टम। हमारे सिस्टम को सोलर सिस्टम के अंदर एक अलग से एक ऑब्जेक्ट आया था, उसको डिटेक्ट किया गया था, उसे कहते हैं उमामुना। ठीक है, तो 88 का आंसर है 1। करंट अफेयर क्वेश्चन है ये। 89 पे चलते हैं। विद द रिफाइनस ऑफ द GPS एडिट जियो एनिटेड नेविगेशन गगन। गगन के बारे में बात चली, गगन एक तरह का GPS सिस्टम है पहली बार। ठीक है, इट इज़ अ जॉइंट सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम प्रोजेक्टेड बिटवीन द इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गलत है, बिल्कुल सही है आंसर। देखो गगन एक तरह का क्या है, नेविगेशन सिस्टम है। तो नेविगेशन सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे सैटेलाइट जुड़ी होती हैं। तो ये कह रहा है बहुत सारे सैटेलाइट जुड़ी हुई हैं, एक तरह का जॉइंट सैटेलाइट बेस्ड एक सिस्टम है। किस किस का, इसरो का और एयरपोर्ट अथॉरिटी का। सही है, तो इट इज़ अ इंटर ऑपरेबल विद अदर इंटरनेशनल SBS सिस्टम लाइक US वार्स एंड यूरोपियन इग्नोस। सही है ये भी। गगन EO पे प्रिंट फुट प्रिंट एक्सटेंड फ्रॉम अफ्रीका टू ऑस्ट्रेलिया एंड हीज एक्सप्रेशन कैपेबिलिटी फॉर सेमलेस नेविगेशन सर्विस अक्रॉस द रीजन। ये भी सही है, तो 1 और 2 तीनों सही होगा आंसर, ये इसके आंसर है। नेशनल पार्क उमराना स्टेट के अंदर। राजा जी, अच्छा ये थर्ड देखो, राजा जी उत्तर प्रदेश, उत्तर राजा जी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में थोड़ी है राजा जी, तो हमारे UK के अंदर है। मोवलिंग हमारे पास त्रिपुरा के अंदर, असम के अंदर है। तो दो बार हमारा महाराष्ट्र के अंदर। सही है, तो अगर आप देखो तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत, थर्ड गलत है। मोवलिंग जो है असम के अंदर है, राजा जी नेशनल पार्क हमारे कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। तो दो बार महाराष्ट्र के अंदर, ये सही है। तो फर्स्ट आंसर हुआ सिर्फ इसका 99 का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, 91 का क्वेश्चन है ये। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट LTTD के बारे में, लो टेम्परेचर थर्मल डेसिमिनेशन के बारे में टेक्नोलॉजी है। इट इज़ अ प्रोसेस अंडर विच वार्म सरफेस सीज वाटर इज ए फ्लैश एवेपोरेटेड टू द लो प्रेशर एंड वेपर इज कंडेंस विद कोल्ड डीप सी वाटर। सही है, LTTD टेक्नोलॉजी डज नॉट रिक्वायर एनी केमिकल प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ सी वाटर। सही है, इट इज़ ए कम्प्लीटली इंडिजीनियस एंड रोबस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली। बिल्कुल सही, 1, 2, 3 आंसर हो गए, क्लियर सी बात है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अफ्रीका यूनियन इज ए कॉन्टिनेंटल बॉडी। सही है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 55 मेंबर। ये भी सही है, डेट मेक्स अप कंट्री ऑफ द कॉन्टिनेंटल अफ्रीका कंटिनेंटल। सही, अफ्रीका कंटिनेंटल के अंदर 55 मेंबर्स हैं। सही, एशियन कंटिनेंटल हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ द कंट्री देन अदर। गलत है ना, एशिया से ज़्यादा तो अफ्रीका है ना, वैसे भी सेकंड तो गलत ही हो गया। थर्ड है हमारे पास ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, पासी थोल अल्जीरिया निजिया लीबिया। अब ये क्वेश्चन जो थर्ड लिखा हुआ है ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सो ये बार आ चुका है अब तक ये क्वेश्चन। तो 1 और 3 आंसर हो गया, सेकंड गलत हो गया, इसमें क्या है। बच्चों बच्चों वाले क्वेश्चन आए हैं सारे आपके। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी से पढ़ते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 आया हुआ है। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर कवरेज ऑफ अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन फॉर रिसीविंग सब्सिडीज फूड ग्रेन अंडर द टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सही है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर 75% जो है वो रूरल को मिलेगा, 50% अर्बन को मिलेगा। सही है, एलिजिबल पर्सन हु इंटेंडेड रिसीव 5 किलो ऑफ द फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ। एक महीने के अंदर एक आदमी को 5 किलो फूड ग्रेन मिलेगा सब्सिडीज प्राइस पे। सही है, द एल्डेस्ट वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ द एज ऑफ 18 ईयर या अबव हैज़ अ हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर पर्पज ऑफ द इशू राशन कार्ड। राशन कार्ड बनवाने के लिए 18 साल से ऊपर जो भी लेडीज होगी उसका नाम होगा। ठीक है, तो 93 का आंसर 1, 2, 3 हो गए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं UPSC के अंदर। वंगवाला, देखो हार्वेस्ट एक स्टेट के बारे में बताना फेस्टिवल। वंगवाला कहाँ पर था, मिजोरम। गलत है, वंगवाला होता है हमारा बच्चों मेघालय शिलोंग के पास में। लोहड़ी कहाँ पर है, हमारी पंजाब के अंदर पता ही है। और नुकारिया का उड़ीसा, ये भी सिंपल है। तो सेकंड एंड थर्ड आंसर हो गए इसके। तो ये क्वेश्चन नंबर चलते हैं 95 के अंदर। ये है हमारा सर्टिफिकेशन मार्क के बारे में बात चलते हैं। सिल्क मार्क इज मैंडेटरी सर्टिफिकेशन मैनेज बाय द सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। देखो ये मैनेज किया जाता है सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये तो सही है, पर मैंडेटरी मार्क नहीं है तो ये गलत है। फर्स्ट हमारा सही, गलत हो गया। FPO मार्क गेट मैंडेटरी स्टेटस ओनली आफ्टर द फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006। ये सही है, इंडिया ऑर्गेनिक इज सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। देखो सर्टिफिकेशन खाने को मिलेगा तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर थोड़ी ना करेगी, वो करेगी हमारी कौन सी, फूड वाली,
फूड वाली करके, तो फर्स्ट गलत, फर्स्ट सिर्फ सेकंड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड गलत है इसका। तो इट इज़ पास्ड बाय द ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, देखो सही है ना, इट इज़ अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो फर्स्ट एंड थर्ड होगी इसका आंसर, ठीक। चलो, सर्टिफिकेशन इशूड बाय द टेस्टिंग सेंटर बाय द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APETA अंडर द नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो लिखा हुआ है ना लास्ट में कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर जो है, ये हट के यहाँ पर आना चाहिए APETA, ठीक है, नाम है उसका एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। 96 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ द एग्रो फॉरेस्ट्री क्या पोटेंशियल बेनिफिट है? पहला है सस्टेनेबल इनकम फॉर द फार्मर, सही है। कंजर्वेशन ऑफ द एग्रो बायोडाइवर्सिटी, सही है। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स, ये सही है। प्रिवेंशन ऑफ द सोयल इरोजन, ये सही है। तो 1, 2, 3, 4 सारे सही हो गए। इस तरह क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा आपको। 96 का आंसर डी हो गया। योगा करते का प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है? ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बी हो गया। 98 पे चलते हैं। चंद्रयान, रेफर टू द चंद्रयान मिशन के बारे में बात करते हैं। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू इन द साउथ एशिया टू लॉन्च द मिशन टू चंद्रयान मून का, सही है। इंडिया एम्स टू लैंड ओन एक्सप्लोर द लूनार साउथ पोल। साउथ पोल का मतलब क्या? वो पोल जो अंधेरे में रहता है। तो 1 and 2 आंसर हो गए, 98 का आंसर। विद रिफेंस ऑफ द कुसुम स्कीम, कुसुम स्कीम जो है, इट फर्स्ट इसके बारे में बात की है। इट इज़ अ एम टू इंस्टॉल ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट ईच ऑफ द कैपेसिटी अप टू 2 MW इन रूरल एरिया, सही है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गलत है। मिनिस्टर पावर ने मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी से है। तो फर्स्ट गलत हो गया, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। तो इसमें लिखा होगा आपको इट इज़ अ इशूड इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 100, लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वंधन स्कीम, वंधन स्कीम के बारे में बात करते हैं। द वंधन स्कीम इज इनिशिएटेड ऑफ इंडिया ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स एंड टिफेड। ये कब से पढ़ते आ रहे हो ये आप? ये लाइन मैं इतना पढ़ चुका हूँ ना, मैं बोर हो चुका हूँ पढ़ के। आंसर फर्स्ट हमारा सही है। स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूटेड 10 सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप ऑफ 30 ट्राइबल गैदर्स, ये सही है। इट एम टू बिल्ड अप द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड स्किल सेट ऑफ द ट्राइबल बाय द एडिंग टेक्नोलॉजी एंड IT फॉर देयर एडिशन, ये भी सही है। 1, 2, 3 आंसर हो गए। वंदन स्कीम का मतलब क्या है? जो ट्राइबल्स एरिया होते हैं उसको इम्प्रूव करना, चाहे वो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के द्वारा करा जाए, चाहे कोई स्कीम चलाई जाए, चाहे वहाँ पर स्किल डेवलप करे जाए, चाहे वहाँ पर ट्रेडिशनल नॉलेज को इम्प्रूव करा जाए, चाहे वहाँ पर आप IT सेक्टर चलाओ। समझ लो IT सेक्टर का मतलब क्या है? दो सेक्टर विच हेल्प्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्राइबल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 1, 2, 3 आंसर हो गए। इसके आंसर है इसका डी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।